ओम गणपते नमः ओम गणेशाय नमः। जजमेंट ऑफ भावास वीडियो सीरीज के इस वीडियो में बात करेंगे लग्नेश यानी कि लगन लॉर्ड कुंडली के जिस भाव में है उसका क्या प्रभाव होता है। लगन कुंडली का बेस है, ये फोकल पॉइंट है, ये केंद्र है, ये त्रिकोण का भी पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। लगन शरीर होता है, लगन लॉर्ड यानी कि लग्नेश आपकी आत्मा है। लग्नेश जिस भाव में हो वो आपके जीवन की मंजिल है यानी कि डेस्टिनी ऑफ लाइफ है। जिस भाव में हो उस हाउस के सिग्निफिकेशन को इम्प्रूव करेगा क्योंकि वही आपकी लाइफ का मकसद है और आप उसी में आगे बढ़ेंगे। लगन कुंडली के अष्टम भाव में एट्थ हाउस, एट्थ हाउस अष्टम भाव आयु भाव, हाउस ऑफ लॉन्चेविटी, सडन गेन एंड ह्यूमिलेशन, ये सिग्निफाई करता है आयु, दुर्घटना, कर्जा, स्कैंडल, दुश्मनी, डेथ, डेथ जो सडन एंड अनटाइमली हो, मौत का कारण, सीक्रेट एनिमीज, लाइफ की रुकावटें, लाइफ पार्टनर की कमाई, इन लॉस, ओकल्ट स्टडीज, बॉडी प्राइवेट पार्ट्स में होने वाली बीमारी। और अगर लगन लॉर्ड जब ये अष्टम हाउस में हो स्ट्रांग हो तो जातक का इंटरेस्ट ओकल्ट स्टडीज, स्पिरिचुअल साइंसेस, पैरानॉर्मल साइंसेस में बना रहता है, हर गुप्त चीज को जानने की कोशिश करता है, उस गुप्त चीजें सीक्रेट टॉपिक जानने में एक्सपर्ट होता है, चाहे वो सीबीआई में हो, आईबी में हो, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्पिरिचुअल साइंसेस के साथ कनेक्टेड एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट। दोस्तों इनको नॉलेज रहता है पैसा कमाने में, माइनिंग, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ट्रेडिंग, बिटकॉइन वाले जो लोग होते हैं आप देखेंगे उनका भी जो लगन लॉर्ड है उसका एट्थ हाउस के साथ कनेक्शन जरूर रहेगा। वो एक्सपर्ट होते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी करने के लिए, वो चीजें जो पीछे से कवर करें। बेनिफिट का जब एस्पेक्ट आता है तो उसे वसीयत मिलती है, लॉटरी में उसका हाथ अच्छा रहता है, इंश्योरेंस सेक्टर से उसको बेनिफिट मिलता है, लीगेसी मिलती है, वाइफ से बेनिफिट मिल सकता है, लाइफ लंबी रहती है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी हो सकता है, इनफैक्ट काफ़ी प्रोबेबिलिटी उसकी रहती है। इनका रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट होता है, ऐसे लोग अगर मेडिकल लाइन में जाएं तो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि आठवां घर मृत्यु का घर है और जब आपका लगन का लॉर्ड मृत्यु में के घर में जाता है तो एक मेक्स ए कनेक्शन विद दी डेथ, सो ही इज ट्राई टू मेक पीपल लिव लॉन्ग। जनरली वो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं और पब्लिक डीलिंग कम रहती है, तो वो आपको रूटीन के मेडिकल चेक करते नहीं मिलेंगे, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है वो पीछे बैठा हुआ है जिसको आप जनरली आप मिलेंगे भी नहीं। और दोस्तों अगर एट्थ हाउस पे अफ्लिक्शन हो तो लाइफ में रुकावटें, बीमारी, मुसीबतें, गुप्त दुश्मन चलते रहते हैं, कोई मेजर बीमारी जीवन भर परेशान करती रहती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, सेक्स में ज्यादा इंटरेस्ट बना रहता है। एक पर्सनालिटी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी स्वामी ओशो रजनीश, इनके लगन चार्ट में लगन लॉर्ड शुक्र एट्थ हाउस में है, शनि मंगल चंद्रमा बुध के साथ युति बनाए हुए, तो आपको कुछ आइडिया रहेगा कि ही वॉज एक्सपर्ट इन पैरानॉर्मल साइंसेस एंड उनकी कुछ और क्वालिटीज भी। तो दोस्तों ये तो था जब लगन लॉर्ड एट्थ हाउस में हो। बाकी हाउसेस की प्लेसमेंट देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।